हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय अनदर वीडियो सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सो वीडियोस मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ मे बी टू वीक्स क्योंकि रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी तो उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दे रही थी एंड नाव आई डिसाइडेड की मैं लॉन्ग वीडियोज़ प्रॉपर अपलोड करूँगी अब एंड मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आई विल ओके देखते हैं नेक्स्ट uh, वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बताती हूँ अभी बस मैं उस चीज़ के लिए सोच रही हूँ बट आई एम नॉट कन्फर्म नाउ सो देखते हैं क्या होता है तो चलिए इन दिनों में मैं क्या क्या की हूँ उस चीज़ का थोड़ा सा अपडेट आपको दे देती हूँ जैसे कि मेरा मॉर्निंग सेम होता था लाइक मैं पाँच साढ़े पाँच तक मैं उठ जाती थी फिर सेवेन टू सेवन थर्टी तक मैं पढ़ने बैठ जाती थी और जो फाइव टू सेवन के बीच का जो टाइमिंग है इसमें मैं अपना मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया फ्रेशन अप हो गया ये सब कुछ कर लिया देन सेवन टू नाइन मैं अपना फर्स्ट लॉट करती हूँ और मैं स्टडी घर पे ही कर रही हूँ एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था जो मेरा वाइट टेबल है ना उसको देख के कि आप लाइब्रेरी में पढ़ती हो क्या अब पता नहीं उनको कैसे लगा कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ बट नहीं मैं मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ती हूँ और लाइब्रेरी जाना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ का स्पेस थोड़ा सा छोटा लगता है और घर पे एक बेनिफिट होता है आपको जब भी कुछ खाने का मन हो आप खा सकते हो अगर आपको अपना स्टडी का प्लेस चेंज करने का मन हो आप वो भी चेंज कर सकते हो आप बेड बेड पर बैठ के पढ़ सकते हो आप टेबल चेयर पे पढ़ सकते हो आप वॉकिंग करके भी पढ़ सकते हो सो मेरे लिए मेरा रूम कंफर्टेबल है और मुझे नीड भी नहीं है लाइब्रेरी का और इस वीडियो में आपको मेरा दो दिन देखने को मिलेगा और इकॉनमी मेरे लिए ना बहुत टफ सब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं इकॉनमी ही कर रही हूँ तो मैं नोट्स को रिवीजन कर रही हूँ और मैं सिविन सर से क्लासेस ली थी जो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट लगा और सर इकॉनमी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सो बस वहाँ से मैं नोट्स को रिवीजन कर रही थी तो मैं पहले क्या करती हूँ लेक्चर देखती हूँ देन नोट्स रिवाइज करती हूँ देन उसको मैं शॉर्ट नोट्स सॉरी जो, जो सर माइंड मैप देते हैं उस माइंड मैप से रिवीजन करती हूँ और उसके बाद मैं एक्टिव रिकॉल करती हूँ तो एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और यहाँ पे सेम मैं सोई थी तब तक चीकू आ गया उठाने के लिए एंड फिर मैं फ्रेशनप हुई और उसके बाद अराउंड सेवन तक मैं स्टडी करने बैठ गई थी और अभी वन एंड हाफ मंथ तक जो मेरा फर्स्ट लॉट होगा वो इकॉनमी ही होगा क्योंकि मुझे मेरे वीकनेसेस पे वॉक करना है जैसे कि पहले मैं क्या करती थी कि मुझे मैपिंग नहीं आता था और मैं मैपिंग को सबसे लास्ट में रखती थी और लास्ट तक तो मे भी सबको पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या कंडीशन होता है तो तुम्हारा जो भी वीक सब्जेक्ट है ना उसको मॉर्निंग में रखो और जो तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है आता है उसको रात में पढ़ो या फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो बट हाँ एक चीज़ करो कि वीक सब्जेक्ट को मॉर्निंग में ही रखो और जैसे कि इन दिनों में मैं अपना जी एस टू कम्प्लीट की हूँ जिसमें पॉलिटी आई आर देन सोशल जस्टिस गवर्नेंस और विलियम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से की हूँ एंड हाँ प्य आई क्यू भी थोड़ा थोड़ा की हूँ बट उतना अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि एक फेस्टिवल सीजन चल रहा था ऊपर से पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि देखो अगर तुम बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा भी फेज आता है जिसमें तुमको चाहिए होता है ब्रेक चाहिए होता है वो तुम खुद से नहीं लेते हो लेकिन जो तुम्हारा बॉडी रहता है तुम्हारा माइंड रहता है ना वो कहीं ना कहीं से वो जो ब्रेक होता है ना वो ऑब्जर्व कर लेता है लाइक कि कभी ऐसा हुआ कि तुमको पढ़ने का ही मन नहीं करे या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि तुमको कुछ काम आ जाए बस इसी सब छोटे छोटे रीज़न की वजह से मेरा बीच में तीन या चार दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया बट हाँ ये भी सच है कि मेरा एक दिन भी मैं कुछ भी मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन तुम कुछ नहीं पढ़े हो ऐसा नहीं था मैं पर डे पढ़ती थी दो घंटे तीन घंटे चार घंटे लेकिन वो जो तुम्हारा एक कंसिस्टेंट होके पढ़ाई होता है जैसे कि सुबह उठा फ्रेशन अप हुई देन अच्छे से अपने टाइम से बैठा ये वाला थोड़ा सा नहीं हो रहा था उस समय बट हाँ जैसा भी हो रहा था मैं सेटिस्फाई थी क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कोई उतना भी नहीं पढ़ पाता है तो चलो ठीक है कम से कम मैं उतना तो की ना और उतना करने का एक रीज़न और था कि मैं सेवेंटी फाइव डेज हार्ड चैलेंज ली थी जिसने जिसमें मुझे पर डे स्टडी करना था एंड इसके वजह मैं जानबूझ के ली थी क्योंकि फेस्टिवल सीजन था एंड मैं ये चाहती थी कि मतलब इन दिनों में भी मैं कुछ कुछ तो पढ़ाई कर लूँ कम से कम इस वजह से और फिर अभी मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गई हूँ So, मतलब मेरा वही टारगेट है कि मैं एक दिन में टूल्व टू फोर्टीन तक अपना टारगेट रखूँ आई नो फोर्टीन नहीं हो पाता है बट हाँ ट्वेल्व तक तो हो ही जाता है तो जिसमें मेरा यही है कि करेंट अफेयर्स किया ओके okay, मैं करेंट अफेयर्स पे बात करती हूँ अभी फिर ऑप्शनल किया मेंस का किया प्री का थोड़ा बहुत पढ़ा और जो एकदम कंसिस्टेंट होकर प्री का पढ़ूँगी वो ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ नवम्बर से लास्ट के अपने डेज में जो भी तुम्हारा मतलब आ, लास्ट का स्लॉट है उसमें तुम जो चाहे वो पढ़ सकते हो जैसे मुझे एथिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और लास्ट के स्लॉट मेरा वैसे भी बहुत गंदा जाता अगर मैं एथिक्स नहीं पढ़ती तो सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है लास्ट में एथिक्स पढ़ लेंगे तो अभी का जो मेरा दिन है ऐसे जा रहा है तो मेरा ए डे इन अ लाइफ ये आपको मैं जल्दी अपलोड करूँगी क्योंकि अभी तो ये दो दिन या फिर तीन दिन का कम्बिनेशन है हाँ ठीक है करेंट अफेयर्स बट उससे पहले मैं पढ़ाई करके और थोड़ा सा पहाड़ के साइड में घूमने चली गई थी एक्चुअली अभी मैं स्कूटी चलाना सीख रही हूँ सो so, बस स्कूटी चलाने चली गई थी और वहाँ पे रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा भेड़िया दिखा और ये देखो कितना क्यूट सा पॉपी है बट हाँ इसको अगर मैं खिला रही हूँ अगर चीकू देख लिया ना फिर मेरा बैंड बजा देगा फिर घर पे आके मैं थोड़ा सा पढ़ाई की और यहाँ पे मैं नोट्स बना रही हूँ विजन आई के मैगजीन का ओके मैं करेंट अफेयर्स पे बात कर लेती हूँ तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से क्लासेस ली हूँ क्योंकि देखो एस्थेटिक पार्ट तो हो जाता है और इस बार का मेंस का पेपर भी तुम लोग देखे होगी ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको सॉरी ज़्यादातर क्वेश्चन तुमको करंट से रिलेटेड रिलेट relate करके दिया है सो so, ठीक है थोड़ा सा तुम इन्वेस्ट करके करंट अफेयर्स का अगर चाहो तो क्लासेस ले लो बट हाँ अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ठीक है तुम खुद से भी कर सकते हो इतना कुछ इशू नहीं है बट हाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं करेंट अफेयर्स के लिए तीन चार घंटे लगाऊं, तो मैं बस क्लासेस ले ली उसका बट क्लासेस के साथ साथ मैं मैगज़ीन भी करूँगी एंड न्यूज़पेपर भी करूँगी क्योंकि न्यूज़पेपर करने से तुम्हारा जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है और आंसर राइटिंग में भी हेल्प होता है और फिर खाना पीना खाने के बाद मैं यहाँ पे मैगी बनाई थी एक्चुअली मैं मैगी उतना खाती नहीं हूँ बट बहुत दिनों के बाद मैं बनाई थी फिर लास्ट का जो सेशन था उसमें मैं ऑप्शनल की और इसके बाद बस थोड़ा सा रिवीजन किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताई थी कि एक्टिव रिकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अभी मैं इस चीज़ को ये स्टार्ट की हूँ लाइक मॉर्निंग में जो भी पढ़ा हो उसको रात तक लाइक like, ऐसे करो कि तुम कुछ कुछ टॉपिक अपने माइंड में रिकॉल करो और उसको नोटबुक पे लिख सकते हो तुम्हारे पास आईपैड है उस पर लिख सकते हो वाइट बोर्ड पे लिख सकते हो एक मैज़िकल बोर्ड आता है उस पर लिख सकते हो तो ट्राई करो उसको रिकॉल करने का और लिखने का तो अगर तुम्हारे पास आईपैड और नोटबुक है तो इसी पे लिखो क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड या फिर उधर इधर उधर लिखोगे ना तो वो तुमको बाद में रफ करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारा एक ही सिक्योर भी रहेगा बाद में तुम रिवीजन भी कर सकते हो कि हाँ तुम क्या लिखे हो क्या गलत लिखे हो इस टाइप से सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही है मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में सो बाय बाय एवरी टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट और जैसे कि मैं पहले वीक में दो बार अपलोड करती थी वीडियो तो आई ट्राई कि मैं वीक में तीन बार वीडियो अपलोड करूँगी सो टेक केयर एवरी वन बाय बाय